नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो वन प्लस सिक्स के अंदर में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड, जो कि नेविगेशन वार के बारे में बताऊंगा फ्रेंड, जो कि अगर नेविगेशन वार में सेटिंग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स। आप अपने नेविगेशन वार के जरिए फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल को, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा बैक बटन हाइड है, रिसेंट बटन हाइड है, होम बटन हाइड है। यहाँ पे देखिए, मैं अगर मैं अपना मेनू में आना चाहता हूँ तो इस तरह मैं करता हूँ तो देखिए मेरा मेनू में आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैक होना चाहता हूँ तो देखिए मैं इस तरह कर रहा हूँ तो मेरा बैक हो रहा है। तो इस तरह आप भी अपने नेविगेशन बार को सेट करना चाहते हैं वन प्लस सिक्स के अंदर में, तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आप लास्ट तक ध्यान से देखें और बहुत ही आसानी से ऐसा आप अपने फोन में भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाए, देखिए मैं अपने फोन के सेटिंग में आ जाता हूँ। फोन के सेटिंग में आने के बाद बटन एंड गेस्टर के ऊपर को आपको आना होगा। तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेविगेशन वार एंड गेस्टर है, इसको पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर तो यहाँ पे देखिए, आप अगर फर्स्ट बार इसको खोलेंगे फिर तो ये ऊपर रहेगा बैक होम एंड रिसेंट बटन, इसके ऊपर क्लिक रहेगा। लेकिन अब आपको आपको चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए इसको पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे है कि नेविगेशन गेस्टर है, लेफ्ट राइट है, इसको अब करना क्या है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैं तो ये हाइड रहेगा, इस तरह रहेगा फ्रेंड्स। और जो आपको यहाँ पे बैक में जो शो करता है वो शो करेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे क्लिक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए इसको चलाने का तरीका ये बता रहा है। इधर से आप कीजिएगा तो बैक होगा और इधर से भी कीजिएगा तो बैक होगा। आप यहाँ से कीजिएगा तो आपका मेन्यू बटन आएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं इस तरह मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मेन्यू बटन आ रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से ऐसे किया, उसको ऐसे किया तो मेरा बैक हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह करूँ तो मेरा देखिए गूगल असिस्टेंट खुल रहा है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आसान सेटिंग है फ्रेंड। तो देखिए मैं इसके ऊपर अब मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बटन गेस्टर पे जाता हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे नेविगेशन बार में आ जाता हूँ और देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे ये मैंने किया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपको बता भी रहा है इसको किस किस तरह आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कर तो मेनू बटन आ रहा है, यहाँ पे रिसेंट को आपको यूज करना है, रिसेंट बटन को यूज करना है, तो मैं वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले मैं रिसेंट बटन को यहाँ पे रिसेंट बटन को यूज करना, तो इस तरह आप कीजिएगा फ्रेंड थोड़ा देर इस तरह। देखिए यहाँ पे रिसेंट बटन मेरा खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह करूँगा तो मेरा रिसेंट बटन खुलेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह देखिए फ्रेंड्स मेरा रिसेंट बटन खुल गया। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको मैं बैक आता हूँ, रिसेंट बटन दबाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह देखिए यहाँ पे इस तरह कीजिएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इसको इस तरह करके थोड़ा देर इस तरह करेंगे फिर तो आपका रिसेंट बटन आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं और क्या होता है कि आपको अच्छी तरह से फ़ोन को यूज करना नहीं आता है। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से यहाँ से मैं करूँगा तो मेरा देखिएगा गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। देखिए मैं इस तरह किया तो यहाँ पे देखिए मेरा गूगल असिस्टेंट खुल गया, जो कि मैं इसमें गूगल असिस्टेंट को सेटिंग कर नहीं रखा हूँ। और उसके बाद देखिए तो इसको ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दें, यहाँ पे देखिए मेरा हाइड बटन है, यहाँ पे देखिएगा मेरा हाइड बटन है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो हाइड बटन है, ये वाला जो एक लाइनिंग आ रहा है इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको भी आप हाइड कर सकते, जो लाइनिंग आ रहा है उसको हाइड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग में आ जाता हूँ। यहाँ उसके बाद बटन एंड गेस्टर के ऊपर आ जाता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नेविगेशन बार में आ जाता हूँ। उसके बाद देखिए ये जो हाइड करने का ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं इसको दबा दूंगा फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए मेरा ये हाइड हो गया। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइनिंग, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लाइनिंग ये शो कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा हट गया लाइनिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे आप इसको भी आप हाइड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वन प्लस सिक्स के अंदर में ये हिडन फीचर नेविगेशन वाले को कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को जरूर से जरूर दबा दें। दोस्तों मैं इस चैनल पे एंड्रॉइड से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो में लाता रहता हूं, तो प्लीज फ्रेंड्स इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।